चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड के निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान गर्भवती की मौत हो गई। पीड़ित पति ने नर्सिंग होम पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया और कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। मामले की जांच में जुटी है। बता दें, पंजाबी कॉलोनी निवासी मुकेश पत्रा का कहना है कि उनकी पत्नी 7 माह की गर्भवती है और उनकी पत्नी को उपचार सुभाष रोड स्थित निजी नर्सिंग होम में चल रहा था। मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे मुकेश पत्रा पत्नी का चेकअप कराने नर्सिंग होम पहुंचे, जहां महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला में होमोग्लोबिन कम होने की बात कही। महिला चिकित्सक ने नर्सिंग होम के नर्स से गर्भवती महिला को ड्रिप लगाने को कहा। मुकेश का आरोप है कि ड्रिप चढ़ने से 48 मिनट का समय लगता है, मगर नर्स ने 10 मिनट में ही ड्रिप चढ़ा दी, जिससे उसकी पत्नी को उल्टी होने के साथ हालत बिगड़ने लगी। हालात बिगड़ते देख मुकेश ने महिला चिकित्सक को बुलाने का काफ़ी प्रयास किया, मगर महिला चिकित्सक अपने नर्सिंग होम के ऊपर बने मकान से नीचे नहीं आई और कुछ देर बाद उनकी पत्नी रिचा की मौत हो गई। गर्भवती की मौत के बाद पीड़ित पति ने घटना से परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद नर्सिंग होम पहुंचे। उसके बाद शरद कपूर ने चिकित्सा स्टाफ में भद्रता की, साथ ही मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। एक मामूली सा इंजेक्शन लगाया गया था, उसके साथ सारी प्रिकॉशन रखी गई थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उसका लेट रिएक्शन होने की वजह से डेथ हो गई। मैं खुद अपने को उसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं खुद खड़ा रहा हूँ, मैं खुद नहीं। ये तो जब डेथ हो जाती है तो लापरवाही की बात कह दी जाती है, लेकिन लापरवाही इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उसका टेस्ट डोज लगा करके आधे घंटे उसको टेस्ट देखा गया था उसका, जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ था तो इंजेक्शन आगे लगाया गया था। नहीं, 50 ml जो 40 मिनट तक चढ़ी वही टेस्ट होती है, उसके इसका टोटल ड्यूरेशन लगाने का 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में होता है दवाई का। लापरवाही नहीं है, ये तो एक दुर्घटना जैसी है जो कि होने वाली बात ही हो गई। नहीं, हमारे पास मैं और मेरी वाइफ देखते हैं इसमें, और एक OT टेक्नीशियन हम वक्त वक्त टाइम टाइम बुला लेते हैं। नहीं, कंपाउंडर तो हमारे ट्रेंड है, ये डिग्री वाले जो है, एक हमारे पास OT टेक्नीशियन है जो कि समय समय पर आ जाए। नहीं, हमारे पास जो है बाकी तो एक सबॉर्डिनेट स्टाफ है, मैं और मेरी वाइफ हैं और एक जी और एक OT टेक्नीशियन आते रहते हैं। नहीं, धमकाया नहीं था, वो आए थे उसमें, क्योंकि जब कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने जो ये आरोप लगाए जा रहे थे उस आरोप का उन्होंने खंडन करा था, समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसा नहीं है। नहीं, मैडम ही कराती हैं डिलीवरी, सब मैडम ही सब डिलीवरीज कराती हैं। जी सर, मैडम हमारे यहाँ डिलीवरी कराती हैं। अब बाकी तो सर नहीं, नर्स नहीं है, केवल एक असिस्टेंट है, एक रात के लिए, एक सुबह के लिए, डिग्री होल्डर नर्स नहीं है कोई, एक असिस्टेंट है बस खाली, और बाकी मैडम खुद ही सारा काम देखती है।